अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, हम देखते हैं कि ईरानियन कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अब ईरान और अमेरिका के दोनों रहनुमाओं की जानिब से इस वक्त सख्त बयानात देने का सिलसिला जारी है। ईरान ने कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, तो जवाब में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि ईरान ने अगर हमला किया तो उनके बहुत से मुकद्दस और जो सकाफती मकामात हैं उन समेत 52 अहदाफ जो हैं टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी जानिब इराकी पार्लियामेंट में भी अमेरिकी फौज को मुल्क छोड़ने की करारदाद मंजूर करवा दी गई है और कहा गया है कि यूएस ट्रूप्स जो हैं वो इराकी सॉइल को छोड़कर चले जाएं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल सामने आता है और वो इराकियों को भी सैंक्शन लगाने की धमकी दे देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि इराक में हमारे जो इतने महंगे एयर बेस तामीर किए गए हैं जिसे उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इराकी उसकी कीमत अदा नहीं कर देते। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा भी आज अदा कर दी गई और हमने देखा कि इस नमाज जनाजा में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी ने कासिम सुलेमानी का जनाजा जो है वो पढ़ाया, जिसमें के हजारों अफराद ने शिरकत की और कहा जाता है कि तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक जो है क्राउड जो था, लोग जो थे वो इस जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद थे। अब इस तमाम सिचुएशन पर जो कि हमारे सामने मिडिल ईस्ट में इस वक्त डेवलप हो रही है, हमारे सामने ईरान, इराक और फिर अमेरिका जो है वो सामने खड़ा नजर आ रहा है और जो टेंशन एस्केलेट हो रही है मिडिल ईस्ट में, इस तमाम मामले को लेकर पाकिस्तान की जानिब से क्या जो है जायजा लिया जा रहा है और क्या गौर हो रहा है और क्या फैसला किया गया है, इस सूरत हाल पर हम ये मालूम करना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान गैर जानिबदार रहता नजर आएगा और अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा कहना था आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का। और फिर हम ये भी देखते हैं, अगर इंटरनल पॉलिटिक्स के आ जाए या जो नेशनल मैटर्स की जानिब आए, तो आज हमने देखा कि जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस थी, उसमें जो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक आर्मी एक्ट बिल था, पाकिस्तान आर्मी एक्ट बिल अमेंडमेंट बिल 2020, उसके साथ साथ पाकिस्तान जो एयरफोर्स अमेंडमेंट बिल 2020 और साथ साथ जो पाकिस्तान नेवी अमेंडमेंट बिल है 2020, इन तीनों बिलों को यूनानिमसली जो है वो मंजूर कर दिया गया है। ये बिल अब मंगल को नेशनल असेंबली में पेश किए जाएंगे। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं कि तमाम जमातों ने गैर मशरूत तौर पर इन बिल्स की हिमायत की है। ये तो अब तक की अपडेट है इन बिल्स को लेकर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये मामला स्टैंड स्टिल भी होता नजर आ रहा है। पहले कहा गया था कि मंडे को यानी कि आज के दिन नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, बट बात अब आगे एक दिन और आगे चली गई है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए JUIF की और जमात इस्लामी की जानिब से जो है वाजे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे। अब कल क्या सूरत हाल जो है सामने आएगी नेशनल असेंबली में, वो वाजे जो है कल ही हमारे सामने होगा। हम इन्हीं तमाम एस्पेक्ट्स पर आज अपने शो में डिस्कशन करेंगे। मेजर जो है वो मिडल ईस्ट की कन होगी, जहां पे के हम यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट होता हुआ देख रहे हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं जनाब डॉक्टर जरका साहिबा, स्पोक पर्सन पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब नवेद चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमें स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर एनालिस्ट है। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने रन डाउन सुना आज का, हम अगर बात कर लें, शुरुआत कर लें इंटरनेशनल लेवल पर और जो हमारे सामने मिडल ईस्ट का क्राइसिस है इस वक्त, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट करता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि हमने बताया कि दोनों जानिब से बड़े जो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं वो दी जा रही हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, हम पहले आपको सुनवाएंगे कि आज शाह महमूद साहब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, व्हाट डिड ही से टुडे अबाउट द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान इन दिस ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट। हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि ये असासिनेशन जो हुई है जनरल कासिम सुलेमानी की, ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है फॉर आर रीजन। थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी बड़ा एक वाजे हमें दिखाई दे रहा है और हुकूमत पाकिस्तान को
میں بے حد تشویش ہے. اس کے اثرات افغانستان پر بھی ہو سکتے ہیں. ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے جس میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. ہندوستان جو اس آڑ میں ہے اور تاک میں رہتا ہے کہ جب بھی پاکستان پہ کوئی موقع ملے تو کوئی ضرب لگائے, ایسٹرن بارڈر کی ہماری تشویش میں اضافہ ہوا ہے, دہشت گردی کی آڑ میں کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کے امکانات بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. پاکستان کسی یونیلیٹرل ایکشن کی تائید نہیں کرتا. یوز آف فورس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں, سلجھ نہیں سکتے. یہ خطہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. جب آگ لگے گی تو ہم اس کے سیک سے اور اس کی گرمائش سے بچ نہیں پائیں گے. پاکستان کی سرزمین اینڈ سوئل ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی ادر اسٹیٹ, اور نہ ہی پاکستان اس ریجنل کانفلکٹ کا حصہ دار بنے گا. ہم غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کردار تو ادا کر سکتے ہیں, ہم آگ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے شروعات کریں گے, پھر ہم اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جانب بھی جائیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, ابھی ہم نے آپ کو فورن منسٹر کی جو ہے ہمارے سٹیٹمنٹ سنوائی ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب سینٹ میں جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر ان کو تشویش ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتہائی نازک ہے اور پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن given the reality here, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے پاسبل ہوگا نیوٹرل رہنا, کسی بھی ملک کی طرف جو ہے اس کا رجحان ہمیں نظر نہ آنا, کیا یہ پاسبل ہے پاکستان کے لیے؟ نیلم دیکھیں, آئی تھنک بڑا کلیئر پالیسی بیان آیا اور واضح کر کے کرسٹل کلیئر پوائنٹ پاکستان کے فارن منسٹر نے دنیا کا پیغام دے دیا, اپنے ریجن میں پیغام دیا ہے, اپنے اسلامی ملکوں کو دیا ہے کہ وی آر ویری نیوٹرل اور ہم کسی کے بھی کانفلکٹ میں ڈریگ نہیں ہونا چاہتے, بلکہ ہمارا کردار ہوگا کہ ہم اس آگ کو بجھائیں جہاں جس حد تک ہم جا سکتے ہیں, جائیں کہ ریکنسلیشن کریں, حالات کو نارملائز کریں اور اس خطے میں جنگ کے جو بازر منڈلا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دو دن پہلے یہی بات کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو نہیں دیں گے, اور یہ پاکستان کو کرنا چاہیے. وی آر اے نیوکلیئر اینڈ دین وی آر اے سوورن اسٹیٹ, ایک اس پہ ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے. جو پہلے ہم نے باتیں کی تھیں اب نہیں کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ کہ ہم سعودی عرب کو کانفیڈنس ملے, ایران کو دوبارہ لیں, ترکی, ملیشیا, یہ بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں, دے ہیو ٹو ایوالو اے ویری گڈ اسٹریٹجی کہ سچویشن کو کیسے ڈیفیوز کرنا ہے. ہم نے ایران کو یہ بھی بالکل ایک بات ہے, ایران کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, عراق کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پہلے عراق کو تباہ کیا میس ویپن میڈ ڈسٹرکشن میں, اس کے بعد اب ایران کو جس طریقے سے پلان کیا جا رہا ہے اس کی تیل کی تنصیبات کو نقصان کریں, ایکسپیکٹڈ کو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ اڑایا جائے, اور اسرائیل کی بہت پرانی خواہش جو ہے اس کو پایا تکمیل پہنچایا جائے. لیکن بیسیکلی سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ جنرل قاسم سلیمان جو تھے سلیمانی, وہ انہوں نے عراق میں داعش اور آئی ایس کو بالکل ختم کیا, بہت کام کیا, عراقی ان کو بہت پسند کرتے ہیں. اس کے بعد اگر حزب اللہ نے کیا تھا, رائٹ ان کو بہت ٹرین کیا ہے, اسی طرح اس کے جو ہے حماس کو بہت ٹرین کیا اور افغانستان میں طالبان کو, سو ان کے پاس بہت ٹارگیٹ ہے. اسرائیل سب طرح سے گھرا ہوا ہے, اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میرے خیال میں ایران کو اوائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو چاہیے امریکہ کہ وہ پرووک کرنا چاہ رہا ہے ایران کو کہ جو انہوں نے اتنا بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے اور جس طریقے سے پوری ایرانی قوم یونائٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہ مارننگ میں, اور وہ بہت فائٹر ہیں, بہت وہ ایک سیلف پرائڈ والی قوم ہے, ان کو کیا گیا ہے, لیکن امریکہ بہانہ ڈھونڈا اور پھر اس میں ٹرمپ کو فائدہ ہے کہ ان کی امپیچمنٹ جو ہے وہ بھی بیک گراؤنڈ میں جا رہی ہے, الیکشن آ رہا ہے, وہ فائدہ ہو رہا ہے. Exactly. There are a lot of factors جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس موو میں جو کہ ایگزیکیوشن کی ہوئی ہے امریکہ کی یو ایس ڈرون اسٹرائک سے ایرانین کمانڈر کی. نوید چودھری صاحب, یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے اس وقت جو ہمیں مڈل ایسٹ میں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہم نے جیسا کہ بتایا کہ جو فیونرل سروسز ہوئی ہیں ایران میں قاسم سلیمانی کمانڈر کی, اس میں جو کراؤڈ تھا اور جو ایک جذبہ نظر آ رہا تھا اور جو مرگ بر امریکہ کے نعرے ہمیں نظر آ رہے تھے وہاں پر لگتے ہوئے, تو لگتا کچھ یوں ہے کہ جو اس نیشن کو ایک نیا جذبہ چاہیے تھا وہ شاید اس کلنگ سے مل بھی گیا ہے.
लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अगर बात कर ले, हमारा एक माजी भी है एंड इट्स अ हार्श रियलिटी, तो क्या अपने माजी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर अगर किसी मुल्क की जानिब से दबाव बढ़ाया गया मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम यूएस, तो उसके बावजूद हमारा फैसला यही रहेगा जो कि हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट आज दी गई है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से सेनेट में? देखिए, हमें देखना यह है कि ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत टाइम टेस्टेड हैं और बड़े ट्रस्टेड हैं। बहुत से मौके पे उन्होंने खुल के इजहार किया और इसका मौका कभी नहीं आया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कभी गए हों। जब भी पाकिस्तान का कोई मसला आया, जब भी कोई ऐसी हालात हुए तो नहीं आया। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी जो ज़्यादा टिल्ट है वो तो ईरान की तरफ होनी चाहिए, इसलिए कि उनके साथ थोड़ा सा एक ज्यादती हो गई इस मौके पे, क्योंकि ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ अपनी इम्पीचमेंट बचाने के लिए, जैसे कि बिल क्लिंटन साहब ने किया था इराक के ऊपर अटैक किया था, इस तरह इन्होंने भी डाइवर्शन किया उसकी तरफ। और ये जो इल्ज़ाम लगाना कि इसराइल इसके पीछे क्या बेस लेके बैठा है और अखंड भारत की जो बातें की जाती हैं उन सब को बैकग्राउंड में साथ देखते हुए देखें कि अमेरिका क्या उन दोनों कुतों के साथ मिलकर एक नया प्लान लेके आ रहा है और किसी तरह खित्ते के अंदर जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी है। लेकिन हमारे लिए मुश्किल यह है कि अगर हम अमेरिका का साथ दें तो तभी गलत है, ईरान का साथ दें तभी गलत है। हमें न्यूट्रल पार्ट अदा करना है, लेकिन न्यूट्रल पार्ट करने के लिए बहुत सी प्राइस देने की का भी मौका आ सकता है कि हमें देनी पड़ जाएगी। इसलिए बहुत कॉशियसली डिप्लोमेटिक के तौर पे अकवामे आलम को इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अकेले ये कोई फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें सऊदी अरेबिया, यूएई, अब्दुल कयूम साहब, हम ऑपोजिशन का व्यू लेकर हुकूमत पर जाएंगे। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, अब ये यहाँ पर हमने आज देखा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये जो सुलेमानी है और अल बगदादी है, इस किस्म के वाकयात से जो हालिया तनाव है उसमें ज्यादा जो है टेंशन एस्केलेट कर सकती हैं, संगीनी आ सकती है। अब क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में आपको नजर आएगा कि वो कोई मिसाल हती किरदार अदा कर पाएगा इन दोनों ममालिक के दरमियान? हमें ट्रंप तो ऑफर करते हुए नजर आए थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर इशू को लेकर एक मीडिएटर का रोल अदा करते कि उन्होंने पेशकश की थी, तो अगर सिचुएशन जो है वो एस्केलेट करती है मिडिल ईस्ट में, तो क्या पाकिस्तान किसी तरह का किरदार जो है अदा करने की, मीडिएशन की कोशिश करेगा या ऑफर कर सकता है? देखिए, मीडिएशन तो जब चाहे पाकिस्तान के लिए एक एजाज होगा कि वो करे, लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो एक्शन है ना अमरीका का, ये बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ड्रोन हमला करके आप जाके एक दूसरे कंट्री में जो एक इनवाइटेड उनका गेस्ट था उसको जाके आपने मार दिया, ये तो टेररिज्म है और ये तो जनेवा कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है। तो देयरफॉर आई थिंक कि हमें आज वो सेनेट में आए थे फॉरेन मिनिस्टर और उनसे हमारी बातचीत होती रही, तो हमने कहा जी हमने नरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं करनी, इस वक्त हमें हमदर्दी का इजहार जरूर करना चाहिए ईरान के साथ और हमें इस बात की मजम्मत भी करनी चाहिए क्योंकि ड्रोन हमलों के हम खुद भी विक्टिम रहे हैं, हमारे बड़े लोग मारे गए हैं, बड़े बेगुनाह सिविलियंस को इन्होंने मारा है ड्रोनों के साथ। इन्होंने ना तो अपने मुल्क में भी, पेंटागन वाले कहते हैं हमें ऑर्डर दिया प्रेसिडेंट ने तो हमने ये कर दिया, यूनाइटेड नेशन इररिलेवेंट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जिसकी बात उसकी बहस वाला मसला जो है वो नहीं चलना चाहिए। हम ये ठीक है कि हम उनको कहें कि रेस्ट्रेंट हो ये हो, लेकिन एट दिस टाइम ईरान को जब वो सारे जख्मी हैं और वो उनका दिल दुखा हुआ है और वो कह रहे हैं बदला लेंगे, हमें उनके साथ ऐसा से जो वो हमदर्दी का जो है ख्याल वो करना चाहिए जरूर। और इन एडिशन टू दैट फिर टेलीफोनिक बात सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर की नहीं, प्राइम मिनिस्टर को उनके प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए और खित्ते के ममालिक के साथ भी, सऊदी अरेबिया बाकी, और इनको इकट्ठा करके और इनको ये बताना चाहिए कि हमें आराम से इन चीजों को देखना है। लेकिन एट द सेम टाइम हम अमेरिका को ये कन्वे करें कि अभी देखें अगर इस तरह होगा तो फिर तो कोई दुनिया में सेफ नहीं रहेगा, तो ये सिर्फ उनको ये बताना कि ये बड़ा वैलिड, ये आपने बड़ा वैलिड एस्पेक्ट रेस किया है अब्दुल कयूम साहब, और इसी का मैं जवाब देना चाहूंगी हुकूमत से। डॉक्टर जरका साहिबा, ये यहाँ पर जो इस वक्त एस्पेक्ट रेस किया गया है कि ये जो यूएस ड्रोन स्ट्राइक से एक सिटिंग कमांडर को मार देना,
اس چیز کو پاکستان کی جانب سے کنڈیم کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم یہ تو سن رہے ہیں, ہمارے فورن منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, بٹ وی آر ناٹ کنڈیمنگ اٹ, جبکہ ایبسلوٹلی یہ انٹرنیشنل لاز کی بھی وائلیشن ہے, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو بیسک نارمز ہیں یہ اس کی بھی وائلیشن ہے, جس کا کہ ہمیں چائنیز فورن آفیسر جو ہیں وہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ یہ ایبسلوٹلی اٹس اے وائلیشن آف دا ویری بیسک نارمز آف انٹرنیشنل ریلیشنز آلسو. تو پاکستان کی جانب سے یہ کنڈمیشن ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ رحمان الرحیم جی, بہت شکریہ نیلم. بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی نازک, اور نہ صرف ایران کے ساتھ, تو ابھی جو جنرل قاسم سلیمانی کا جو قتل انہوں نے کیا ہے, ڈرونز کی شہادت ان کی ہوئی ہے بغداد میں, اس کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک نیوٹرل رول ادا کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ دیکھیے امریکہ کا کیا نصب العین ہے, امریکہ اور جو اس وقت آپ کی پاورز جو اکٹھے ہوئی ہوئی ہیں, امریکہ, انڈیا, اسرائیل, نیکسس, اور ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمانوں کو ورسز ادر کنٹریز, کیونکہ مسلمانوں کو وہ پسند نہیں کرتے, مسلمانوں کو ہمیشہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ عرب ورلڈ کو, وہ کمپلیٹلی مڈل ایسٹ کو انریسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے افغانستان سے لے کر عراق اور سیریا اور لیبنان اور اب ایران, ہر جگہ وہ انریسٹ, داعش ہو, آئسز ہو, آپ کو یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف امریکہ کا ہاتھ ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن دس از دا وے دا ورلڈ از, اس میں ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اوپر سے ہندوستان بھی ہمارے اوپر باقاعدہ, اور جس طرح سے 150 دن کا کشمیر میں اس وقت سٹینڈ آف کرفیو ہے, اور وہ لوگوں کو اس قدر اذیت سے گزارا جا رہا ہے, تو پاکستان پہ ہر قسم کا دباؤ ہے, دیکھ رہی ہے دنیا اور گلوبل پاورز کے پاکستان میں اب ایک حکومت ایسی آئی ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لیڈرشپ سٹیڈ فاسٹ ہے, یہ پاکستان سے سنسیئر ہے, ان کو ایک بہت بڑا اس میں اپنے لیے چیلنج نظر آ رہا ہے, اسی لیے ڈاکٹر زرکا صاحبہ اگریشن آپ کو زیادہ نظر آئے گی. سسٹین کیسے کریں گے اگر یو ایس کی جانب سے پریشر آتا ہے, آپ کی حکومت ان پریشرز کو سسٹین کیسے کرے گی؟ ابھی حالیہ ہم نے دیکھا تھا جو کوالا لمپور سمٹ ہے اس میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہے, اینڈ وی آل نو کہ کس کے پریشر پر یہ کینسلیشن ہوتی ہے, تو یہ آپ کی حکومت, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل رہ کر اپنا کردار ادا کریں گے, بٹ ہاؤ ول یو سسٹین دی پریشرز فرام یو ایس, اور جیسے کہ یو ایس اور سعودی نیکسس ہے یا اسرائیل نیکسس ہے؟ سب سے پہلے آپ کو, آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سوورن نیشن تو ہم ہیں, لیکن سوورینٹی کو اگر آپ نے اس کا وزن ڈالنا ہے تو پھر آپ کو اکنامیکلی بھی سوورن ہونا پڑتا ہے. ایران کیوں اتنے عرصے سے امریکہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے؟ بیکاز ایران از اے رچ کنٹری اینڈ دیو گاٹ دیئر آئل. دنیا میں تین ہی ممالک ہیں جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کیوبا, نارتھ کوریا اور ایران. اور لیکن آپ دیکھیے, اگر آپ ایران کی ڈیٹیلز میں جائیں, ان کی ڈپلومسی, تو دیر آر ویریس لیولز آف ڈپلومسی جو ان کی چل رہی ہوتی ہیں, نیوکلیئر آرمز کے حوالے سے علیحدہ, اور جو آپ کو سینکشنز اور یہ, سو دیر آر لیولز آف ڈپلومسی جو چل رہی ہوتی ہیں اور وہ چلنی چاہیے, اور پاکستان کو بالکل اس وقت ایران کے ساتھ, اور آئی ایم شیور کہ ایران کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں, اور ہم ایک بیلنس مینٹین کرنے میں, سب سے بڑا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں پیس یا ریلیٹیو پیس ہو, یہ کھلم کھلا ایک جنگ نہ شروع ہو جائے, ورلڈ وار 3 جس کی طرف لوگوں کا رجحان, لوگ ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, اور امریکہ اسی خوف کے اوپر پلے کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ وہ بہت بڑی سپر پاور ہے, اور امریکہ اسی طرح ہر ایک کو بلی کر کے آگے چلنا چاہتا ہے. Alright, Brigadier Retired Haris Nawaz صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ DGISPR کی بھی ہم کل اپنے انٹرویو میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنا انٹرویو دیا ہے کل, اس میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صرف امن کا ساتھ دے گا, اور آرمی چیف نے, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مائک, جو پومپیو ہیں, جو سیکرٹری آف سٹیٹ ہیں یو ایس کے, ان سے بھی کہا ہے کہ کشیدگی کم ہونی چاہیے, مذاکرات سے آگے بڑھیں تاکہ ریجن میں ایک اور ریجن جو ہے, یہ خطہ ایک اور جنگ کی جانب جاتا ہوا نظر نہ آئے. تو اب یہ باتیں تو
बड़ी अच्छी लग रही हैं कहने में, लेकिन करने में, अमल करने में जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि हमारा एक पास्ट भी है, माजी भी पाकिस्तान का एक है जो अनफॉर्चुनेट है। तो अब ये जो हमारे सामने असैसिनेशन है ईरान के जनरल की, कमांडर की, उसका जो बदला है ये, इसके लेने का ऐलान कर दिया गया ईरान की जानिब से। हार्श रिवेंज की बातें हो रही हैं, जो कुम में मस्जिद है उधर सुर्ख परचम लहरा दिया गया है और नमाज जनाजा हम सब ने देखी है जिस लेवल से हुई है। तो ये आपको लगता है कि यहाँ पर प्रेशर्स डेवलप नहीं होंगे और पाकिस्तान सस्टेन कर जाएगा अगर प्रेशर्स डेवलप होते हैं? देखिए नीलम, बात यह है कि पाकिस्तान को प्रेशर सस्टेन करना चाहिए। एक, अभी हमें एग्जर्ट करना चाहिए एज न्यूक्लियर कंट्री। सेकंड, ये कि अमेरिका, देखें उस वक्त कौलालंपुर की बात और थी सबमिट की कि आप सऊदी अरब हमें देखें डेफर्ड पेमेंट ऑयल दे रहा है, हमें काफ़ी मिलिट्री इकोनॉमिक एड वो उसकी दी है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, फिर हमारे 4 मिलियन वहाँ पर हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। वी नेवर वांटेड कि वो एक प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से एक और नया इशू खड़ा हो जाए। अमेरिका हमें क्या सपोर्ट कर रहा है? हमें अभी उसने हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग भी बंद की हुई थी, कोलेशन सपोर्ट फंड पहले से बंद किया हुआ है। दे आर नॉट एट ऑल द ट्रस्टेड फ्रेंड्स। हर इवेंट इवेंट में आपको कहीं हर जगह वो डिश करते हैं, जब दिल चाहता है वो कहते हैं जी कि डू मोर की बात करते हैं। वॉट ऑल वी हैव डन, हमारे 70,000 के करीब शहीद लोग हुए हैं, हमारे इतने फौजी शहीद हुए हैं, इंस्टेड के वो यहाँ आके पाकिस्तान से कंट्रोल करें वो इंडिया में जाते हैं, यहाँ पर 2 घंटे के लिए लोग आते हैं। हमें अब समझने की जरूरत है, हमें चाहिए टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान और ये जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं ये खड़े हों, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लें, सऊदी अरब जाएं, ईरान जाएं, सऊदी अरब को बताएं कि उनके लिए आइंदा के लिए कितने मसाइल आने वाले हैं। अगर आज इसराइल 2 क्रूज फायर दोबारा मिसाइल फायर कर दे इनके इसके ऑयल तनसीबात के ऊपर तो सऊदी अरब में एक और क्राइसिस होंगे जिसकी वजह चाहते हैं कि सऊदी अरब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और उसके लिए अमेरिकन की पूरी कोशिश है ऐसी सिचुएशन करने के लिए कि वो अपने ट्रुप सऊदी अरब में लैंड करेंगे ताकि वहाँ पर वो अपना आहिस्ता आहिस्ता टोटल उनके ऑयल के ऊपर कंट्रोल कर लें। जो मिडल ईस्ट का ग्रैंड डिज़ाइन है वो उसकी एक ये पहला स्टेप है, एक हमें ये समझना चाहिए। सेकंड, ये कि हमें डेफिनेटली मुसलमान मुल्कों को खड़े होने की ज़रूरत है जो हम नहीं होते हैं। उसके साथ हमने ड्रैग इसलिए भी नहीं होना कि हमारे पास इंडिया सामने खड़ा हुआ है। इस सिचुएशन को अगर अमेरिका सॉवरेनिटी खराब करता है, ड्रोन अटैक करता है, देन इंडिया विल गेट एनकरेज। वो कश्मीर में फ्लैग ऑपरेशन के लिए तैयार खड़े हुए हैं, उनके साथ कश्मीर के जो हालात हैं, नंबर 3 जो उनका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने बनाया है उसके इंडिया में आग लगी हुई है, सब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जैसे ट्रंप ने किया पीसमेंट बचाने के लिए, इसी तरह इंडिया कैन डू। तो वी हैव टू टेक ऑल दी प्रिकॉशन बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। तो बेसिकली ये यूनिवर्सल कंडमनेशन तो होनी चाहिए कि इस तरह से किसी भी मुल्क के सिटिंग कमांडर को उठा के आप यूएस ड्रोन स्ट्राइक से खत्म कर देते हैं, इसको तो हर एक को कंडेम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, अब ये जो हम देखते हैं असैसिनेशन होती है ईरानियन कमांडर की यूएस ड्रोन स्ट्राइक से, ऑब्वियसली ये एक इंतहाई संगीन गलती हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 2003 के बाद जब अमेरिका ने इराक की इन्वेजन की थी उसके बाद ये सबसे इंतहाई जो है संगीन इवेंट है मिडल ईस्ट का, और अगले डेकेड की भी जो सियासत है इस खित्ते की वो इसी इवेंट के बाद जो है वो कोर्स या अपना जो एक स्ट्रक्चर है वो बनाएगी। तो अब आपके ख्याल में ईरान की तरफ से क्या रिटेलिएशन में किया जा सकता है, जवाबी रद्द अमल के तौर पर ईरान किस तरह अमेरिका के खिलाफ हमें कार्रवाई करता हुआ नजर आ सकता है, क्या ऑप्शंस हैं, वाइटल ऑप्शंस हैं ईरान की? देखिए मसला ये है कि ये बात ठीक है, मेरे डॉक्टर साहबा ने भी ठीक बात की है, वीडे साहब ने भी ठीक कहा है कि हम जंग को तो हवा नहीं देना चाहते, ना हम कहते हैं कि जंग लड़नी चाहिए, ना हम ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की तरफ से हो के जैसे हमने अफगानिस्तान में किया साथ हो गए और ड्रोन इधर से उड़ के उधर जा रहे हैं और मार रहे हैं, वो रोल नहीं अदा करना है। और ना हम ये चाहते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हो जाएं और उनको वार पे भड़काएं, लेकिन ये मुश्किल वक्त है एक मुसलमान मुल्क में और हम ये समझते हैं उनके साथ ज्यादती है ये और ये बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। अभी ये कहने से तो हम ना डरे ना कि आपने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है और हम इसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं, बिकॉज इस तरह कोई मुल्क भी सेफ नहीं रहेगा। हाउएवर हम चाहते हैं कि ये एस्केलेट ना हो, हम अपना पूरा असर व रसूख ईरान पे इस्तेमाल करेंगे, सो इन अमेरिकन के साथ भी जरूर बात करेंगे और बाकी दोस्तों के साथ भी, और लेवल इसका रेज किया जाए टू लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एक जॉइंट सेशन।
ہو پارلیمنٹ کا، اس میں سے آپ کی ایمرج ہوں، آپ کی ریکمنڈیشن، اور آپ اس کو آگے لے کے چلیں. ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایران کیا کر سکتا ہے. دیکھیں، ایران ان کے لیے زندگی جیرن کر سکتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، یہ عراق کے اندر ہے. عراق کی پرائم منسٹر خود، ان کی پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا ہے. انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں ریزولوشن، ایگزیکٹلی. تو دیٹ مینز کہ یہ آکوپیشن فورس ہے وہاں بھی، اور یہ کہاں کہاں اپنے آپ کو بچائیں گے. دے آر ناٹ آن دی کانٹیننٹ آف امیرکن کانٹیننٹ پہ نہیں ہے یہ، ان کی دنیا میں 800 بیسز ہیں. اور اگر یہ پوری دنیا کو تپا دیں گے اور ان کی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگائیں گے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، اپنی امپیچمنٹ کو روکنے کے لیے یا اپنے الیکشن کو آگے کرنے کے لیے. لیکن ٹرمپ تو ٹویٹر پر بیٹھ کر لیفٹ رائٹ سب کو سینکشنز لگانے کی دھمکیاں دیتے بھی نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ ایک جنگ ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی شروع کر دی گئی ہے. ہم یہاں پر کوئی بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کر ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، اسٹے ود اس، وی'ل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مڈل ایسٹ میں اس وقت یو ایس ایران کانفلکٹ ہے آن دا اسیسینیشن آف ایرانین کمانڈر قاسم سلیمانی، جو کہ کہا جاتا ہے کہ کمانڈر تھے ایلیٹ فورس قدس فورس کے، جو کہ ریولیوشنری کارپس تھے. اب کیا ایران کی وائٹل آپشنز ہیں؟ وہ امریکہ کے خلاف کیا کاروائی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی براہ راست ٹارگٹ جو ہے کیا جائے گا، یا کوئی خفیہ کاروائی کی جا سکتی ہے؟ ایران کی جانب سے بڑا دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس امریکہ کے 35 ٹارگٹ جو ہیں وہ ان کے نشانے پر ہیں، جن میں کہ ٹیل اویو اسرائیل بھی شامل ہے. ساتھ ہی ساتھ ایران کے پاس جو ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جو کہ گلف واٹر وے ہے، جہاں سے آلموسٹ 1/3 آف ورلڈز آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں وایا شپس، ایک وہ آپشن بھی ہے. وہاں پر بھی یو ایس کے جو وار شپس ہیں کافی جو ہے ان کا گزر ہوتا ہے. وہ اس اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی بند کر سکتا ہے ایران، وہ بھی ایک بڑا کرائسس جو ہے پیدا کر سکتا ہے اوور آل آئل پرائسز کے حوالے سے بھی. ساتھ ساتھ ایران نے جو 2015 نیوکلیئر ڈیل ہے اس سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. اور ایرانی ایڈمنسٹریشن کے مطابق جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اور جو یورینیم کی تحقیق اور پیداوار پر عائد لمیٹیشنز تھی وہ اب ان کی پاسداری نہیں کرے گا، اور جو ٹیکنیکل نیسیسٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یورینیم کی انریچمنٹ جاری رہے گی. ساتھ ساتھ اگر بات کر لی جائے عراق کی، تو عراقی پارلیمنٹ میں بھی ریزولوشن منظور کی گئی ہے جس میں امریکہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ٹروپس کو عراق سے نکال لے، جس پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں جواب دیا کہ اگر بغداد نے ایسا کیا تو ایران سے بھی زیادہ سخت سینکشنز عائد کی جائیں گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عراق میں اربوں ڈالر سے مہنگے ایئر بیس تعمیر کیے گئے ہیں، جب تک اس کی پیمنٹس نہیں کی جاتی انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے. یعنی امریکہ اب جو ہے وہ ایک دھمکی دینے والے انداز میں تمام ممالک کو جو کہ آواز اٹھا رہے ہیں اس اسیسینیشن پر اور اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، ان کو دھمکانا انداز میں جو ہے ڈیل کر رہا ہے. اب امریکن تھریٹ کے بعد عراق کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ عراقی حکومت امریکی فوجیوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہم آگے لے کر چلیں گے. یہاں پر نوید چودھری صاحب آپ کی جانب آئیں گے. اب یہ جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یو ایس ایران کانفلکٹ تو ہے ہی ہے، بٹ ناؤ عراق از آلسو ا پارٹ آف دس کانفلکٹ. ہم نے دیکھا کہ جو عراقی پارلیمنٹ ہے اس میں اب ریزولوشن منظور کی گئی ہے کہ جو یو ایس ٹروپس ہیں وہ ایویکیویٹ کر دے عراقی سوائل کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ عراق جو ہے وہ بڑا کوئی سٹینڈ لے سکے گا امریکہ کے سامنے، جبکہ ٹرمپ کی جو تھریٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں؟ عراق کے پاس گنجائش تو بہت اس وقت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ ایران کو جب تھریٹ کیا گیا تو اس کے بعد عراق کے اندر پوزیشن بہتر ہو گئی. لیکن یہ جو ہمارے مسلم کنٹریز ایک بلاک میں ڈوین ہوئی ہے، وہ اس کا بینیفٹ امریکہ اٹھا رہا ہے، اور اس نے اس کا دیکھا ماضی میں اٹھایا، آگے بھی اٹھانے جا رہا ہے. اس لیے پاکستان کا بہت پیوٹل رول ہے جس کو واچ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جاپان نے جو پہلے کہا تھا کہ اپنے وار شپ کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے تھے، آج انہوں نے اپنے شپس بھیج دیے ہیں، وہ بھی ایک نئی ایک تھریٹ آ گیا ہے اس کے اندر، کوئی اپنے ویسل کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو تھی نا وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہی ہیں. پاکستان کو بہت کاشیسلی، آپ نے جب سوال پہلے پوچھا تھا میں صرف آنا چاہوں گا، بہت کاشیسلی واچ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک ہم صرف لپ سروس پہ بات کر رہے ہیں، کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے. آج کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں شاہ محمود قریشی صاحب کا، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس کے پتہ چلے کہ ہم کون سا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان گئے تھے
ईरान के अंदर, और जो वो सऊदी अरेबिया के साथ सुलह की बात करने गए थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ कौलालंपुर वाला जैसे आपने कोड किया, वो भी आपके सामने है कि कॉल और फेल में फ़र्क है। हम एज ए नेशन, हमें बहुत देखने की ज़रूरत है कि हमारे लोगों को हमारे पे भरोसा हो कि हम क्रेडिबिलिटी हैं कि नहीं है। अगर हमारी क्रेडिबिलिटी इस तरह ही है कि हम विद वन कॉल फ्रॉम एनी अदर कंट्री, हम कहें जी हमने तो आप क्यों जी 40,000 बंदे बचाने थे या फलान चीज़ करनी थी इसलिए करने जा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। देखिए इस वक्त मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। इस वक्त पेट्रोल जो है उसकी जो कीमत है वो $60 से ऊपर जा चुकी है, $70 पर चार्ज करेगी। हमारे पास 2 दिन का रिजर्व है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, हमारी पोजीशन तो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, बगैर वॉर से होने से पहले ही हम कोलैप्स कर जाएंगे। हमें उन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी तवज्जो इन हाउसेस के अंदर, इनके अंदर जो अपनी लड़ाइयों झगड़ों मसलों में उलझे हुए हैं, हम वो फोकस ही नहीं कर पा रहे कि होने क्या जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। इसलिए बहुत गंभीर हालात हैं पाकिस्तान के, और इराक जो का जो रोल है वो एक थ्रेट तो रोल हो सकता है अमेरिका को थ्रेट देने का कि आप इसमें एवेन्यू खोलेंगे, अमेरिका अपना वॉर ऑफ नर्व्स कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी इस पोजीशन में अमेरिका है कि वो जाके इराक के साथ एक नया महाज खोल सके। तो अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं है, तो फिर डॉक्टर जरका साहिबा, इरानियन ऑप्शंस हमने आपके सामने रख दी हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि 35 यूएस टारगेट्स हैं इंक्लूडिंग तेल अवीव, फिर साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, जो गल्फ वाटरवे है उसकी ऑप्शन भी उनके सामने है, फिर जो यूएस इंस्टॉलेशन हैं ऑन इराकी सॉयल और ऑन लेबनान, तो वो भी एक टारगेट जो कहा जा रहा है कि एक वैलिड टारगेट है, वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और डुएबल टारगेट कहा जा रहा है ईरान के लिए फॉर राइट नाउ। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पर ईरान और इराक की ऑप्शंस एंड देन यूएस ऑप्शंस, बिकॉज़ यूएस के अपने अंदर ट्रंप की इस एग्जीक्यूशन पर जो है काफी उनको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है। जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं उन्होंने भी ईरान के खिलाफ ट्रंप के जो ये मेजर्स हैं उनको महदूद करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए रेजोल्यूशन लाने का ऐलान कर दिया है। तो आपको लगता है कि ट्रंप यकतरफा तौर पर ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं जिनसे कि अमेरिका से भी उनके अपने अंदर से, अपने सिस्टम के अंदर से जो है आवाजें उठ रही हैं? जी नीलम, बहुत शुक्रिया। देखें, तीन एस्पेक्ट्स आपने अमेरिका की एक तरफ बात की, और इराक, ईरान और फिर पाकिस्तान, तीनों के ऊपर मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का सालिसी का जो रोल है वो तो रहेगा और पाकिस्तान उसी से आगे चलेगा, लेकिन नवीद चौधरी साहब से मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी। 10 साल में पहली दफा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव आर ऑन द सेम पेज। दिस इज द थ्रेट दैट द वेस्ट सीज, जो अमेरिका को नजर आ रही है, जो इंडिया को नजर आ रही है, इसी थ्रेट की रिस्पॉन्स में उनकी एग्रेशन आपको ज्यादा नजर आ रही है। जहां आ गई ईरान और इराक की बात, आपको पता है इस वक्त मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है, देर इज नो अरब लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली, या आपकी मोनार्कीज हैं। लीडरशिप इस वक्त आपके दो, और आप ये भी हम जानते हैं कि किस तरह अमेरिका ने मिडल ईस्ट को सुन्नी और शिया में डिवाइड किया हुआ है, और वो इन्हीं दो फोर्सेस को लड़ाना चाहते हैं, ईरान इराक, क्योंकि दे आर शिया कंट्रीज, और जो आपकी बाकी लेबनान में भी और सीरिया में भी, और दूसरी तरफ टर्की का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टर्की इस वक्त एक एक्सपेंशन मोड में है। टर्की की फोर्सेज इस वक्त सीरिया में भी मौजूद हैं, लेबनान में भी मौजूद हैं, और आपको ये नज़र, आप ये देखेंगे कि किस तरह से ये सारा एक प्ले चल रहा है। और अमेरिका का, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इट इज़ हिज इलेक्शन इज़ कमिंग अप, प्लस उनकी इम्पीचमेंट होने को जा रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ अ वेरी बहुत माशाल्लाह समझदार, या जिस तरह भी लोग उनको समझें, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड ही इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमिस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है। वो सामने कुछ करेंगे फिर उसको टोटली उसको निगेट करके आगे चल पड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इज प्लेइंग अ गेम, वो लेकिन इट इज़ अ वेरी डेंजरस गेम। उनकी अपनी इस वक्त अमेरिकन जो नेशन है, दे आर अगेंस्ट ऑल देयर फोर्सेज गोइंग टू अफगानिस्तान। बड़ी मुश्किल से इतने अरबों डॉलर, ट्रिलियंस उन्होंने लगाए हैं अफगानिस्तान में, दे वॉन्ट टू कम आउट, द नेशन डज नॉट वॉन्ट एनी मोर वॉर। और इराक में भी उनकी फोर्सेज दे हैव विड्रॉन, सो सीरिया में भी दे आर कमिंग आउट। सो अब अमेरिका, ये एक वॉर ऑफ नर्व्स है, और आपको पता है वो जो आर्ट ऑफ वॉर है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि द स्मार्टेस्ट जनरल इज ही हु विंस द वॉर विदाउट गोइंग इनटू द बैटलफील्ड।
सो ये ईरान जो इस वक्त कर रहा है, जो उसने अपना झंडा वो लाल उधर चढ़ा दिया है, और जो आज उनकी जनरल कासिम सुलेमानी का जो जनाजा था उसमें उनकी बेटी ने जो अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका के हवाले से कि हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो ये सब बिकॉज ईरान को वी नीड टू रिमेंबर द पर्शियन एम्पायर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्पायर्स, और जो ईरानी लोग हैं उनकी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, उनको डिप्लोमेसी पार एक्सेलेंस आती है, वो कितनी लेयर्स में डिप्लोमेसी करते हैं, वो किस तरह से आगे चलेंगे, दे आर गोइंग टू प्रूव दैट दे आर अ वेरी बहुत समझदार लोग हैं, वो कोई ऐसा हेस्टी स्टेप नहीं करने वाले, बट पाकिस्तान हैज टू स्टे न्यूट्रल एंड पाकिस्तान हैज टू प्ले अ वेरी सपोर्टिव रोल फॉर द मुस्लिम उम्मा इन जनरल, एंड आई एम श्योर इसी तरह होगा, बट वी हैव टू वॉच आउट. All right, quickly, हम हारिस नवाज साहब क्विकली हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले टॉपिक की जानिब, हमारे शो का टाइम भी बड़ा कम रह गया. हम अगर इन हाउस की बात कर लें, अपने मुल्क में होने वाले मामलात की जानिब आ जाए, तो हम देखते हैं कि आज जो आर्मी एक्ट बिल है, साथ ही हम देखते हैं कि जो नेवल बिल है और एयरफोर्स बिल है, पाकिस्तान एयरफोर्स बिल, पाकिस्तान नेवल बिल 2020, वो नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटीज फॉर डिफेंस है वहां से यूनानिमसली जो है अप्रूव हो जाता है. परवेज खटक साहब ने क्या मीडिया टॉक की है, लेट्स लिसन that first, then quickly हम इसमें भी टेबल करेंगे. तौर पे पास हो गया, सारे कौम को मुबारक हो, और सब ने यकजहती दिखाई, और मैं सब अपोजिशन और गवर्नमेंट सबको मुबारकबाद दी. कुछ तरामीम थी अपोजिशन की, उसके ऊपर क्या फैसला हुआ? इसका सुई, लेकिन उन्होंने वही पे रहेगा. अब कौमी असेंबली में कब जाएगा ये? कल जाएगा. जाने से कहा जा रहा था कि अपोजिशन शायद बैक ट्रैक कर रही है, क्या वजह थी? जी हारिस नवाज साहब, आपसे हम स्टार्ट करेंगे, क्विकली अगर आप अपना व्यू दें कि अब ये जो बिल्स हैं ये कल पार्लियामेंट में पेश होने जा रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज और जो पीपल्स पार्टी हैं उन्होंने स्टैंडिंग कमिटीज में तो मंजूरी दे दी है और वो अनकंडीशनल उन्होंने हिमायत की है, कल पार्लियामेंट में भी क्या यही स्पिरिट नजर आएगी हमें, या कोई सरप्राइज हमें मिलता हुआ नजर आएगा? नीलम, ये एक नेशनल यूनिटी की बात है, आर्मी को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, खास तौर पे इन प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट्स के अंदर जिस तरीके से इंडिया कश्मीर में कर रहा है, उन्होंने अपने सीडीएस को किसको सलूबी से आराम से उनको एक्ट बनाया है, उनको पास किया है, बना दिया, नए चीफ आर्मी स्टाफ बन गए, कोई वहाँ पर इशू नहीं हुआ, लोकसभा में उनके सब जगह पर क्लियर हो गया. आई थिंक हमें ये चाहिए कि अब नेशनल यूनिटी की डिमांड ये है कि जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस ने इसको अप्रूव किया है, इसको नेशनल असम्बली में भी विदाउट डिस्कशन यूनानिमसली इसको करना चाहिए, और इंडिया को बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर. नवीद चौधरी साहब, 10 सेकंड्स, क्या फरमाइएगा, कल क्या होता हुआ नजर आएगा, क्या पीपल्स पार्टी अनकंडीशनल सपोर्ट नेशनल असेंबली में भी देगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो रात अपनी मीटिंग में जो प्रोग्राम दिया वो आपके सामने है, जिसमें बताया था कि वो तमाम पार्टियों से कॉन्सल्ट कर रही है और देख रही है कि इसके नॉर्म्स क्या हैं, और जो चीज़ें वो देख रही है उसको हाईलाइट किया, अगर उसके अंदर वो चीज़ें ना हुई और जिस चीज़ों की तरफ उनको निशानदेही किया है तो नेचुरली हम वोट करने जाएंगे, लेकिन उसमें हुई तो हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि उसको अमेंड करें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये चीज़ों ने बहुत पिवोटल रोल अदा करना है, इतना आसानी से नहीं है ये बिल, ये नहीं है कि सिर्फ एक्सटेंशन का मामला है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी. आपको लग रहा है कि कल इतना ही स्मूथली नेशनल असेंबली से भी ये बिल्स जो है यूनानिमसली अप्रूव हो जाएंगे अपोजिशन की जानिब से? मेरा ख्याल है जी कि इवेंचुअली तो बड़े आराम से हो जाएगा, ये पहले बहुत से बयान आएंगे, बहुत सी बातें होंगी, बाद में भी होंगी, वो तो होती रहती हैं, लेकिन बिल आई थिंक यूनानिमसली ही पास होगा इंशाल्लाह. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका साहिबा, नवेद चौधरी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और अब्दुल कयूम साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, चलते बताते चलें कि जो JUIF है उसकी जानिब से इस बिल की हिमायत नहीं की जा रही, जमात इस्लामी भी हिमायत करती नजर नहीं आ रही. मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुफाहमत हर जगह नहीं चलती, 6 माह में नई असम्बली बनाकर ये आर्मी एक्ट पास कराया जाए. अब कल जो है देखेंगे कि नेशनल असम्बली में किस तरह से ये बिल्स अप्रूव होते हैं, क्या यूनानिमसली अप्रूव हो जाते हैं अनकंडीशनली, या किसी किस्म की हमें रेजिस्टेंस का जो है सामना होता हुआ नजर आएगा. आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट.